चलिए यार स्टार्ट करते हैं सेल और रिटर्न का लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर में जो पढ़े थे उसको रिवाइज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट था आपके कॉपी में, गुड सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस का मतलब होता है होलसेलर या मैन्युफैक्चरर अपने कस्टमर रिटेलर को गुड्स बेचता है और बोलता है क्या, रख भाई 2-3 महीना तू रख, माल बिके तो पैसे दियो और ना बिके तो मेरा सामान वापस कर देना। कुछ स्पेसिफाइड पीरियड के लिए दिया जाता है। तो सर सेल कब मानेंगे? अभी तो माल भेजे, सेल मानना है? नहीं, इस सिस्टम पे जब गुड्स भेजते हैं तो सेल 3 सिचुएशंस पे माना जाता है। फर्स्ट है जब अप्रूवल इज रिसीव्ड, सेकेंड है बेटा कि स्पेसिफाइड टाइम तक अप्रूव भी नहीं हुआ और रिटर्न भी नहीं हुआ, नाइदर अप्रूव नॉट रिटर्न विद इन स्पेसिफाइड टाइम। एंड थर्ड पॉइंट है बेटा एनी अदर एक्ट डेट इज हमने भेजा था माल बेचने के लिए और कोठारी बाबू यूज करने लगे तो डेट विल बी कंसिडर्ड एज सेल। फिर बेटा अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कैसे करेंगे सर? आज माल भेज रहे हैं, कैसे अकाउंटिंग करेंगे? सेल तो हुआ नहीं बेटा। अकाउंटिंग डिपेंड करता है कि वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स कितने हैं। 3 सिचुएशंस मिलेगा, ट्रांजेक्शन्स आर फ्यू, गुड्स आर सेंट कैजुअली, नेक्स्ट इज बेटा फ्रीक्वेंटली एंड द लास्ट वन इज न्यूमेरसली। व्हेन ट्रांजेक्शन्स आर फ्यू हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था और ये काम करना सीख गए थे लास्ट क्लास में। जब हम लोग गुड्स सेंड करते हैं, गुड सेंट तो वो सेल हुआ नहीं फिर भी इट इज़ रिकॉर्डेड एज क्रेडिट सेल। माल आपने बेचा नहीं फिर भी रिकॉर्डेड एज क्रेडिट सेल्स। और एंट्री लगा देते बेटा डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स, ये रॉन्ग है बेटा, ये सरासर रॉन्ग है, आपको नहीं लिखना चाहिए ये एंट्री, बट फिर भी आप लिखते हैं क्योंकि दिमाग गजनी है, भूल जाएंगे। फाइनल अकाउंट बनाते समय इसको देख लेंगे, सेल नहीं होगा तो आज वही डिस्कशन है। नेक्स्ट बेटा गुड्स अप्रूव्ड हो जाएगा तो क्या एंट्री लगाएंगे? बेटा गुड्स अप्रूव्ड होगा तो कोई एंट्री नहीं होगा बिकॉज माल भेजते समय सेल का एंट्री लगा दिए। फिर कस्टमर वापस कर देता है तो क्या एंट्री? सेल्स रिटर्न टू डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल। यहाँ तक पहुँच गए थे। और बेटा हाफ पे जगह छोड़ने बोला था और आप वहीं पे लिखेंगे अब जो मैं बताने जा रहा हूँ। फोर्थ नंबर पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट इस चैप्टर का, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप फाइनल अकाउंट बनाते हैं, तो बेटा ऐसा सेल को आप सेल दिखा ही नहीं सकते जो सेल हुआ ही नहीं। फाइनल अकाउंट बनाते वक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट को 2-3 प्रॉब्लम्स आएंगे। क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे देखो, मैं इसको हटा देता हूँ और मैं इसे ही रखता हूँ। सपोज ये 1 मार्च को मैंने गुड सेंड कर दिया 10,000 का और लिख दिया डेटर्स टू सेल्स, लिख दिया 10,000 से इसका कॉस्ट था, 8,000। तो मैंने 1 मार्च को माल भेजा आपको और सेल का एंट्री दिखा दिया डेटर्स टू सेल्स और बोला बेटा आप 30 जून तक रखो, 30 जून तक माल रखो, माल बिके तो ठीक है ना बिके तो 30 जून तक वापस कर देना। तो आप तो 30 जून तक रखोगे और मैंने एंट्री भी लगा दिया, बट 31 मार्च को, 31 मार्च को एट द एंड ऑफ द ईयर जब हमारे सीए साहब आएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट जी आएंगे ऑडिट करने के लिए, फाइनल अकाउंट बनता है बेटा 31 मार्च को, तो सीए साहब जब ऑडिट में ये वाला देखेंगे कि आपने अप्रूवल बेसिस पे माल भेजा है और उसका एंट्री लगा दिया है और मार्च में वो गुड्स बिका ही नहीं, सोल्ड ही नहीं हुआ, अप्रूव नहीं हुआ, क्या पता अप्रैल में सेल हो जाए, क्या पता मई में सेल हो जाए, क्या पता जून तक हो जाए और क्या पता वापस भी हो सकता है अप्रैल मई जून पे। तो आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमें बोलेंगे गुप्ता जी ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा गुप्ता जी ये नहीं चलेगा। मैं बोलूँगा क्या नहीं चलेगा सीए साहब, आप डेटर्स टू सेल्स दिखा दियो, आप सेल्स दिखा दियो, ये सेल्स तो हुआ ही नहीं, आप भूल गए क्लास 11 का। सर क्या 11 का? वो कसमें वादे, क्या कसमें वादे, कंजर्वेटिज्म का क्या था? कंजर्वेटिज्म, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट, मेक प्रोविजन फॉर लॉसेस,
प्रूडेंस कंसेप्ट था कि फ्यूचर में कुछ प्रॉफिट होने वाला है तो उसे ना दिखाओ, लॉस होने वाला है तो दिखाओ। और गुप्ता जी ये सेल ही नहीं हुआ, क्या पता है अप्रैल मई जून में माल वापस आ जाएगा, आप सेल कैसे दिखा सकते हो? ओ सीए साहब, सीए साहब गलती हो गया, तो क्या करो सीए साहब? सीए साहब बोलते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर इसे अनअप्रूव्ड सेल कहेंगे, एट द एंड ऑफ द ईयर अनअप्रूव्ड सेल कहेंगे। तो क्या करो, क्या करो सीए साहब? सभी बच्चे लिखना है बेटा इसको, थोड़ा देर बाद समझ लो। सीए साहब मैं क्या करूं, क्या करूं, गलती हो गया, बीकॉम पढ़ के एंट्री लगा दिया, कोई बड़ा बात नहीं है, हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हम लोग आरजी के पास पढ़े, आरजी ने सिखाया कैंसिल कर दो। तो अनअप्रूव सेल, अनअप्रूव सेल साल के लास्ट में कैंसिल कर देते, फाइनल अकाउंट बनाते वक्त, फाइनल अकाउंट बनाते वक्त कैंसिल कर देंगे सेल्स टू डेटर्स, सेल्स टू डेटर। सो अनअप्रूव सेल इज कैंसिल एट द एंड ऑफ द ईयर। तो यानी 10,000 का जो मैंने माल भेजा था, 10,000 का जो मैंने माल भेजा था उसे कैंसिल कर देंगे आप लोग। और क्या करेंगे गुप्ता जी? आपका माल कस्टमर के पास पड़ा है, आपका माल कस्टमर के पास पड़ा है, उसे स्टॉक में दिखा दीजिए। तो बेटा स्टॉक विथ कस्टमर, स्टॉक विथ कस्टमर डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, बट कॉस्ट में दिखाएंगे, तो कॉस्ट कितना है 8,000। तो बेटा आज के क्लास का यही मेन पॉइंट है, आज के क्लास का यही मेन पॉइंट है। फोर्थ नंबर पॉइंट पे अभी नहीं लिखना, अभी समझना है। समझना क्या है सर? माल भेजते समय सेल का एंट्री लगा दिया, सरासर गुनाह है सर, ये प्रायश्चित करना पड़ेगा फाइनल अकाउंट बनाते वक्त साल के लास्ट में। तो बेटा फोर्थ पॉइंट लिखेंगे सभी बच्चे, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट Following adjustment entries required. Following adjustment entries required for unapproved sale at the end of financial year while preparing final account. Following adjustment entries required for unapproved sale. Adjustment entries for unapproved sale. Number one. Unapproved sale is cancelled. Unapproved sale is cancelled. Sales to debtors. Unapproved sale is cancelled. Sales to debtor. Sales to debtor. ये sale price पे होता है बेटा, sale price पे, sale price पे. Sales to debtor, sale price पे. And number two, stock with customer to trading account. 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 Cost price pay. Stock with customer to trading account. Cost price pay. Cost price pay. Cost price pay. तो सबसे पहले आपको सीखना है unapproved sale क्या होता है. Unapproved sale. अनअप्रूव सेल पे डिस्कशन करेंगे। और बेटा जहाँ पे कुछ हाफ पे छोड़ने बोले थे इस एंट्री के बाद भी कुछ और बातें करेंगे, थोड़ा जगह छोड़ देना। तो बोलिए बेटा आज के क्लास का मेन पॉइंट यही था, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट चार्टर्ड अकाउंटेंट जी इज गोइंग टू कैंसिल अनअप्रूव सेल, सेल्स टू डेटर्स, एंड दैट विल बी सोन एट स्टॉक, स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग, स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग, सेल कैंसिल करेंगे सेलिंग प्राइस पे और स्टॉक दिखाया जाएगा कॉस्ट प्राइस पे। अब होता है अनअप्रूव्ड सेल, क्या होता है अनअप्रूव्ड सेल? अनअप्रूव्ड सेल मतलब जो सेल पेंडिंग है, जो सेल फाइनल नहीं हुआ उसे कहते हैं अनअप्रूव्ड सेल। अनअप्रूव्ड सेल का मतलब जो सेल पेंडिंग है, अनअप्रूव्ड सेल का मतलब होता है जो सेल पेंडिंग है। तो ध्यान से देखेंगे, गुड्स सेंट, गुड्स सेंट 10,000 का अप्रूव्ड कर दिया, अप्रूव कर दिया 6,000,
गुड सेंट 10,000 और अप्रूव कर दिया 6,000 और रिटर्न कर दिया बेटा, रिटर्न कर दिया 1,000। तो अब बताएंगे ईयर एंड पे, ईयर एंड पे अन अप्रूव्ड सेल क्या है, ईयर एंड पे अन अप्रूव्ड सेल क्या है? सर 10,000 का माल भेजा था, उससे जितना अप्रूव्ड हो गया, जितना रिटर्न हो गया माइनस कर दीजिए, तो जितना रिटर्न हो गया, जितना अप्रूव्ड हो गया माइनस कर दीजिए। माल भेजा था 10,000 का, अप्रूव्ड अप्रूव्ड हो गया 6,000 और रिटर्न हो गया 1,000, तो अनअप्रूव्ड कितना हो गया बेटा 3,000, अनअप्रूव्ड हो गया 3,000, अनअप्रूव्ड सेल हो गया 3,000, अनअप्रूव्ड सेल हो गया 3,000। इसे कॉपी कर लीजिए, अनअप्रूव्ड सेल 3,000। अनअप्रूव्ड सेल्स मीन्स गुड्स नाइदर अप्रूव्ड नॉर रिटर्न एट द एंड ऑफ द ईयर, नाइदर अप्रूव्ड नॉर रिटर्न, और जिसका पीरियड भी पार नहीं हुआ, 30 जून तक रखना है। गुड सेल 10,000, अप्रूव्ड 6,000, रिटर्न 1,000, अनअप्रूव्ड 3,000। डन बेटा, ऐसे लिखना मत, मजाक कर रहे आप लोग के साथ। 10,000 का माल भेजा, 6,000 अप्रूव्ड हो गया, 4,000 रिटर्न हो गया, तो अनअप्रूव क्या है साल के लास्ट में? सर कुछ नहीं है, 10,000 का माल भेजा, 6,000 रिटर्न, 4,000 अप्रूव, तो अनअप्रूव कुछ भी नहीं है, अनअप्रूव कुछ भी नहीं है, तो इसका कुछ भी नहीं करना है बेटा। तो ये हो गया। अब बेटा हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, दिन पे इन बातों को मैं बढ़िया से समझाऊंगा, एग्जाम्पल लेंगे। नेक्स्ट बेटा लिखेंगे, 1 मार्च गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस 10,000, गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस 10,000, टेंथ मार्च गुड्स अप्रूव्ड, गुड्स अप्रूव्ड 6,000, 20 मार्च गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न 3,000। तो बताएंगे 31 मार्च को अनअप्रूव सेल क्या है? 1,000। सर लो मैं इसका कॉस्ट बता देता हूं, 800। अब इसका हम लोग एंट्री लगाएंगे, एंट्री इन सभी का एंट्री लगाना है। तो सबसे पहले गुड सेंट का एंट्री लगेगा, गुड सेंट का, गुड सेंट का एंट्री क्या होता है सर? गुड सेंट का एंट्री डेटर्स टू सेल्स, डेटर्स टू सेल 1 मार्च को 10,000, डेटर्स टू सेल 1 मार्च को 10,000, 10 मार्च को गुड्स अप्रूव्ड हो गया। अप्रूव्ड का क्या एंट्री लगता है बेटा? नो एंट्री। 20 मार्च को, 20 मार्च को रिटर्न हो गया, तो रिटर्न का एंट्री क्या लगाते हैं बेटा? रिटर्न का एंट्री सेल्स रिटर्न टू डेटर्स, हाउ मच हाउ मच हाउ मच, कितना 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 3,000। अब आएगा असली घड़ी, जहां पे आपका पहचान है, जहां पे लोग आपको जानते हैं, सभी लोग नहीं जानते ये बात। 31 मार्च को अनअप्रूव सेल का दो एंट्री बोलेंगे बच्चा लोग, दो एंट्री, दो एंट्री। हमारे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सर अनअप्रूव सेल कैंसिल करेंगे, कैंसिल करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो क्या लिखेंगे? सेल्स टू डेटर्स, सेल्स टू डेटर्स, डेटर्स डेटर्स
1000 एंट्री करेंगे, 1000, और इसे बेटा स्टॉक में दिखाएंगे, स्टॉक विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग, बट हमेशा कौन सा प्राइस पे दिखाएंगे, कॉस्ट पे, स्टॉक हमेशा कॉस्ट पे दिखाते हैं। चलिए बेटा आप लोग फटाफट कॉपी कर लीजिए इसे। आइए चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए साल के लास्ट में हमने सेल कैंसिल कर दिया, कितना सेल कैंसिल कर दिया सर, कितना सेल कैंसिल कर दिया, कितना सेल कैंसिल कर दिया, 1000। और ये माल तो आपके पास ही पड़ा है, हमने तो आपको बोला था बेटा 30 जून तक रख, 30 जून तक। हमारे CA साहब आए, बोलेगा नहीं चलेगा ये गुप्ता जी, नहीं चलेगा, सेल हुआ नहीं, आप कैसे दिखाएंगे। ठीक है सर कैंसिल कर दो, कर दिया। मैं तो 30 जून तक रखने दिया हूँ, तो बेटा अप्रैल में, मई में, जून पे आप क्या कर सकते हो इस सामान को, अप्रैल में जून पे या तो आप अप्रूव कर दोगे या रिटर्न करोगे। एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे से अनअप्रूव सेल कैंसिल करवा दिए, मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट अनअप्रूव सेल कैंसिल करवा दिए। माल तो आपके पास ही पड़ा है, अब वो हमारे CA साहब क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर जाकर, माल तो आप कस्टमर के पास है, नेक्स्ट ईयर जाकर कस्टमर ने अप्रूव कर लिया, अब क्या होगा। CA साहब तो मार्च को सेल्स का एंट्री कैंसिल करा के चले गए और माल हमारे कस्टमर के पास ही है। नेक्स्ट ईयर हमारा कस्टमर अप्रूव कर लेता है गुड्स, तो अप्रूव कर लेता है तो सेल का एंट्री करना है ना नहीं करना, ये डिसाइड करना है। तो देखो तो बेटा, देखो तो आपने सेल्स का एंट्री रखा है ना, मार्च में उड़ा दिए, साल के लास्ट में सेल्स का एंट्री उड़ा दिया, उड़ा दिया, उड़ा दिया, और फिर अप्रैल मई जून पे वो गुड्स अप्रूव्ड हो गया, अप्रैल मई जून पे गुड्स अप्रूव्ड हो गया, तो सेल का एंट्री आपको करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे बेटा, डेटर्स टू सेल्स, लिखना मत, मैं आप लोगों को बताऊंगा, डेटर्स टू सेल्स। और सर सेल्स का एंट्री आप मार्च में उड़ा दिए, हाँ, अप्रैल मई जून में रिटर्न कर दिया तो नो एंट्री, अप्रैल मई जून में रिटर्न कर दिया तो नो एंट्री। तो बेटा जहाँ पे वो नोट्स लिखे थे 4 नंबर पॉइंट, उसी के नीचे लिखेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर अनअप्रूव्ड सेल कैंसल्ड, एट द एंड ऑफ द ईयर अनअप्रूव्ड सेल कैंसल्ड, एट द एंड ऑफ द ईयर अनअप्रूव्ड सेल कैंसल्ड, एंड इन नेक्स्ट ईयर, एंड इन नेक्स्ट ईयर गुड्स अप्रूव्ड, गुड्स अप्रूव्ड, नेक्स्ट ईयर गुड्स अप्रूव्ड, गुड्स अप्रूव्ड। तो सेल का एंट्री लगेगा डेटर्स टू सेल्स, सेल्स का एंट्री लगेगा डेटर्स टू सेल्स, सेल्स का एंट्री लगेगा डेटर्स टू सेल्स, बिकॉज सेल्स का एंट्री कैंसिल कर दिए थे, सेल्स का एंट्री लगेगा डेटर्स टू सेल्स, डेटर्स टू सेल्स, बिकॉज सेल्स का एंट्री कैंसिल कर दिए थे, सेल्स का एंट्री कैंसिल कर दिए थे। फिर returned, returned, no entry, no entry, because sale का ही entry नहीं है तो return का entry कैसे होएगा, return का ही entry नहीं है तो sale का entry कैसे होएगा, return का ही entry नहीं है तो sale का entry कैसे होएगा, no, no entry, no entry, no entry। तो बेटा आज के क्लास का मेन सेल और रिटर्न का इतना ही था,
अब और भी कुछ बातों पे डिस्कशन करेंगे, पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं अच्छा वाला लिखेंगे। एट द एंड ऑफ द ईयर अनअप्रूव्ड सेल 5000, एट द एंड ऑफ द ईयर अनअप्रूव्ड सेल 5000, एट द एंड ऑफ द ईयर अनअप्रूव्ड सेल 5000, नेक्स्ट ईयर अप्रूव्ड कर दिया 3000 और रिटर्न कर दिया 2000। तो क्या क्या एंट्री लगेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट जी? आपने गुड्स अप्रूवल बेसिस पे भेजा था, उसका सेल का एंट्री लगा दिए थे और साल के लास्ट में 5000 सेल अनअप्रूव्ड है, 5000 का सेल अनअप्रूव्ड है, तो क्या करेंगे अनअप्रूव्ड सेल्स को? क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे सेल्स टू डेटर्स, सेल्स टू डेटर्स 5000 कैंसिल कर दिया, सेल्स टू डेटर 5000 कैंसिल कर दिया और नेक्स्ट ईयर गुड्स अप्रूव्ड हो गया, नेक्स्ट ईयर गुड्स अप्रूव्ड हो गया, साल के लास्ट में सेल्स कैंसिल कर दिया और नेक्स्ट ईयर गुड्स अप्रूव्ड हो गया। तो गुड्स अप्रूव्ड हो जाएगा तो एंट्री करना है नहीं करना है? सर सेल का एंट्री तो उड़ा दिए थे, करना पड़ेगा। डेटर्स टू सेल्स, डेटर्स टू सेल 3000, डेटर्स टू सेल 3000, डेटर्स टू सेल्स 3000 और रिटर्न का एंट्री नहीं करना है। सर सेल का ही एंट्री नहीं है, सेल्स का ही एंट्री नहीं है, तो रिटर्न का एंट्री कहाँ से होएगा सर जी? ओके बेटा छाप लो। तो चलिए यारो आज जो पढ़ा अपने डिस्कशन करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो सीए के ज़िंदगी में हमेशा चाहिए, अनअप्रूव सेल को कैंसिल करेंगे, सेल्स टू डेटर, आपके दुकान का सेल्स कम जाएगा, डेटर्स कम जाएगा, जो भी अकाउंटेंट ने सेल्स दिखाया था थोड़ा बहुत कम जाएगा, डेटर्स कम जाएगा और स्टॉक विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग, स्टॉक विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग, कॉस्ट पे बात करेंगे आज हम लोग थोड़ी देर पे। अनअप्रूव सेल क्या होता है? बड़ा सिंपल है, पेंडिंग सेल। और फिर आप लोग को मैंने बताया भैया साल के लास्ट में तो सेल उड़ा दिया सीए साहब, तो उड़ा के चले गए, अपना फी वगैरह लेके चले गए और हमें कुछ बताया नहीं नेक्स्ट ईयर क्या करना था, बस वो एंट्री उड़ा दिया और नेक्स्ट ईयर माल अप्रूव्ड हो गया, तो हम लोग उसका एंट्री करेंगे डेटर्स टू सेल्स और रिटर्न हो जाएगा तो नो एंट्री। क्यों नो एंट्री? जब सेल का ही एंट्री नहीं है तो रिटर्न का कहां से आएगा? तो चलिए बेटा इन सब टॉपिक पे हम लोग कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों को रेट ऑफ प्रॉफिट पे कुछ बताएंगे, फिर आज का क्लास ओवर हो जाएगा। आज बहुत यूजफुल क्लास है, आप लोग एकदम ध्यान से देखते रहेंगे। यस यहां से शुरू करते बेटा, यहां से शुरू करते। सेवन, सेवन नंबर से
इन केस गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस. सर्टिन कस्टमर मे बी ऑफ दैट नेचर हु हैव नॉट सेंट देयर अप्रूवल. कोई कोई कस्टमर्स ने अपना अप्रूवल नहीं दिया. एंड रिटर्न पीरियड नॉट एक्सपायर्ड. रिटर्न पीरियड नॉट एक्सपायर्ड और रिटर्न का पीरियड खत्म भी नहीं हुआ. दैट इज कॉल्ड अन अप्रूव्ड सेल. द अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इंक्लूजन्स ऑफ गुड्स इन स्टॉक. तो बेटा अन अप्रूव्ड सेल का दो एंट्री आप लोग सीए फाइनल तक याद रखोगे स्टूडेंट लाइफ पे. उसके बाद रियल लाइफ पे तो चाहिए. सेल्स कैंसिल करते हैं सेल्स टू डेटर और स्टॉक हमारा है आपके पास पड़ा है. अपने स्टॉक में दिखाएगा. समझ में आया क्या? ये मेरा माल है आपका नहीं. तो मैं अपने अपने स्टॉक में दिखाऊंगा. स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी. आइए नेक्स्ट बेटा 10. गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस रिकॉर्डेड एज एक्चुअल सेल्स. अप्रूवल बेसिस पे माल भेजा एक्चुअल सेल्स दिखा दिया. विच टू अकाउंट्स नीड टू बी एडजस्टेड. विच टू अकाउंट नहीं, वी एडजस्ट थ्री अकाउंट. सेल्स कम करते हैं सेल्स कम करते हैं सेल्स, डेटर्स और स्टॉक. याद है सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर. सेल कम जाएगा, डेटर्स कम जाएगा एंड स्टॉक बढ़ जाएगा. थ्री अकाउंट्स विल बी एडजस्टेड बाई हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जी. थ्री अकाउंट्स. तो आपने सेल्स डेटर स्टॉक, तो यहाँ पे क्या लिखा है? सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक. तो ऑप्शन ए को मार्क करेंगे. ऑप्शन ए को मार्क करेंगे. व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ स्टॉक विद कस्टमर ऑन अप्रूवल बेसिस. कस्टमर के पास माल पड़ा है अप्रूवल बेसिस पे भेजा हुआ, क्या ट्रीटमेंट करेंगे? सर उसका कॉस्ट प्राइस को अपने स्टॉक में प्लस कर देंगे. एट कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स विद क्लोजिंग स्टॉक. एट कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स विद क्लोजिंग स्टॉक. नेक्स्ट बेटा अंडर सेल और रिटर्न ऑन अप्रूवल बेसिस व्हेन ट्रांजैक्शंस आर फ्यू एंड द सेलर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर रिवर्स सेल एंट्री. सेलर ने सेल का एंट्री रिवर्स कर दिया. देन व्हाट विल बी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुड्स रिटर्न. बेटा सेल्स का एंट्री रिवर्स कर दिया. सेल्स का एंट्री रिवर्स कर दिया. व्हाट विल बी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुड्स रिटर्न. अभी अभी पढ़े थे साल के लास्ट में सीए साहब सेल्स का एंट्री उड़ा दिए और फिर नेक्स्ट ईयर गुड्स अप्रूव्ड हो सकता है रिटर्न हो सकता है. आपको सिखाया था अप्रूव्ड होगा तो एंट्री लगाएंगे डेटर्स टू सेल्स और रिटर्न हो जाएगा तो एंट्री लगाने का जरूरत नहीं क्योंकि हमारी जिंदगी में सेल ही नहीं है बाबू तो रिटर्न कहाँ से आएगा. तो क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए? नो एंट्री विल बी पास फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स. नो एंट्री विल बी पास फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स. कुछ एंट्री नहीं लगाएंगे. इधर ही लिख लेंगे अगर नेक्स्ट ईयर गुड्स अप्रूव्ड हो जाता है. नेक्स्ट ईयर गुड्स अप्रूव्ड हो जाता है तो क्या करेंगे? साल के लास्ट में सेल उड़ा दिए. हाँ हाँ भाई उड़ा दिए. वो सीए साहब उड़ा के भाग गए यहाँ से और हमारे अकाउंट पे एंट्री नहीं लगाए नेक्स्ट ईयर. और नेक्स्ट ईयर अप्रूव्ड हो गया तो क्या लगाएंगे? डेटर्स टू सेल्स. एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख लीजिएगा. आइए चलिए कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे बेटा. आज के क्लास का लास्ट कंसेप्ट बहुत यूजफुल. इतना यूजफुल कि आप ये कंसेप्ट फाइनल तक याद रखोगे. सर ने कुछ सिखाया के भेजा था आपको. आप क्लास 7-8 में पढ़े थे उसी को आज फिर से रिपीट करना है बेटा.
जस्ट बेसिक कंसेप्ट है, पूरे सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल में चाहिए। ऐसे कॉमन सेंस का एक हेडिंग लगा देंगे, रेट ऑफ प्रॉफिट। ये सेल और रिटर्न का ही नहीं है, पूरे सिलेबस में शॉर्टकट यूज करेंगे। देखिए, आप सबको पता है, आप लोग बोलेंगे भी, जो बच्चे वीडियो देख रहे हो भी बोलेंगे, बेटा किसी एक प्रोडक्ट का कॉस्ट है 100, कॉस्ट में प्रॉफिट प्लस करते हैं बेटा, प्रॉफिट प्लस करते 25, तो क्या बनता है, सेलिंग प्राइस 125। बस यही सिखाना था, कॉस्ट है 100, प्रॉफिट 25, तो सेल प्राइस बनेगा 125। रेट ऑफ प्रॉफिट सिखाना है हमारे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट को। रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स होता है नॉर्मली, प्रॉफिट ऑन सेल्स, तो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं बेटा, प्रॉफिट बाई सेल्स इंटू 100, प्रॉफिट इज 25, सेलिंग प्राइस इज 125 इंटू 100, प्रॉफिट इज 25, सेलिंग प्राइस 125 इंटू 100। देखिए बेटा कितना होता है, 25 बाई 125 इंटू 100, डेट इज 20% ऑन सेल्स, डेट इज 20% ऑन सेल्स, 20% ऑन सेल, तो 20% को 1/5 ऑन सेल बोल दीजिएगा शॉर्टकट पे, 1/5 ऑन सेल। अब प्रॉफिट, रेट ऑफ प्रॉफिट कॉस्ट पे भी होता है, कॉस्ट पे भी कभी कभी कॉस्ट पे दिया जाता है, तो सो सिंपल, प्रॉफिट बाय कॉस्ट इनटू 100, प्रॉफिट इज 25, कॉस्ट इज 100 इनटू 100, तो 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट, दैट इज 25 बाई 100, That is 1/4 on cost, 1/4 on cost। तो बेटा एक शॉर्टकट है, प्रॉफिट 1/4 ऑन कॉस्ट रहेगा ना, तो 1/5 ऑन सेल्स होता है। कभी भी प्रॉफिट 1/4 ऑन कॉस्ट दिया रहेगा, 1/4 ऑन कॉस्ट, तो 1/5 ऑन सेल्स हो जाएगा, 1/4 ऑन कॉस्ट तो 1/5 ऑन सेल्स, और कभी 1/5 ऑन सेल्स दिया रहेगा, That is 20% on sale, तो आप उसे समझ लेंगे कॉस्ट एक कदम पीछे, सेलिंग प्राइस एक कदम आगे, सेलिंग प्राइस एक कदम आगे, कॉस्ट एक कदम पीछे, तो सेल्स 1/5 रहेगा, तो कॉस्ट हो जाएगा 1/4। ये शॉर्टकट याद कर लेंगे, क्यों याद करेंगे बता रहा हूं, कभी कभी पेपर सेटर ना प्रॉफिट बता देता है 1/4 ऑन कॉस्ट, और क्वेश्चन पेपर में कॉस्ट नहीं देता है, सेल्स बता देता है, तो फिर सोचते सोचते लेट, 100 100 सोचते सोचते बड़ा लेट हो जाता है। आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास टाइम ही इतना कहाँ है, तो 1/4 ऑन कॉस्ट, अच्छा पेपर में दिया है सेल्स, हाँ आप हमें फंसाना चाहते हो, उल्लू बनाना चाहते हो, हमारे समय वेस्ट करना चाहते हो, यू डोंट नो वी आर फ्रॉम आरजी साइड, 22 23 24 साल से पढ़ा रहे हो इस काम को, वो रटा दिया हमें 1/4 ऑन कॉस्ट और सेल्स दिया, टन से 1/5 मार देना, चलो छाप लो बेटा। ऐसा 3% में दिखाऊंगा, फिर यूज करना सिखाऊंगा, फिर आपको ना बहुत मजा आएगा।
चलिए और थोड़ा सा काम करते हैं, फिर से किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट 20 है, तो सेल प्राइस बनेगा 120। आइए रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स ही होता है, प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100, तो प्रॉफिट 20, सेल्स 120 इनटू 100, तो देखिए बेटा 20 बाय 120 इनटू 100 16.666666666% ऑफ सेल्स आपके घर तक पहुंच गया 16.6666। तो एग्जाम पे इतना परसेंटेज नहीं लेना, 16.67% ऑन सेल्स ले लेते हैं, 16.67%। ऐसे कैलकुलेटर में 16.6666 पूरा ले लीजिएगा, बट कॉपी में 16.67% ही लिखना। इसको फ्रैक्शन में क्या बोलेंगे, 16.66666 डिवाइडेड बाई 100, तो बेटा 16.66 का टेबल इंटू 6 करो अपने कैलकुलेटर में, 16.66666 वन जा 16.6666 इंटू 6 करो तो 99.99999 आ जाएगा। इसको प्यार से बोलते 1/6 ऑन सेल 16.66666% 1/6 ऑफ सेल। पता है सेल्स 1/6 है ना, सेल्स एक कदम आगे, कॉस्ट एक कदम पीछे, पक्का कॉस्ट पे 1/5 होएगा, पक्का ये रट के जाएंगे हम लोग हमेशा के लिए। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्रॉफिट बाय कॉस्ट इनटू 100, प्रॉफिट 20, कॉस्ट 100 इनटू 100, दैट इज 20% ऑन कॉस्ट, दैट इज 20/100, दैट इज 1/5 ऑन कॉस्ट। तो ये रिलेशनशिप कुछ कुछ जगह आपको याद रखना पड़ेगा, प्रॉफिट 1/5 ऑन कॉस्ट होगा तो 1/6 ऑन सेल, प्रॉफिट 1/5 ऑन कॉस्ट होगा तो 1/6 ऑन सेल, प्रॉफिट 1/6 ऑन सेल होगा तो 1/5 ऑन कॉस्ट। और एक परसेंटेज सिखाऊंगा, फिर इसको यूज कहाँ करना है सेल और रिटर्न चैप्टर पे मैं आपको बताऊंगा। चलिए बेटा इसको भी कॉपी कर लीजिए, टन 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 कॉपी करेंगे और याद करते रहेंगे, सेल्स एक कदम आगे, कॉस्ट एक कदम पीछे, सेल्स पे 1/3, कॉस्ट पे 1/2, सेल्स पे 1/4, कॉस्ट पे 1/3, सेल्स पे 1/5, कॉस्ट में 1/4, एक कदम पीछे। आइए आगे ले चलें और एक रेट ऑफ प्रॉफिट, बेटा अभी जो सिखा रहे हैं ना मैं आपको नेक्स्ट 3 साल के तक सोच रहा हूँ, आप लोग जब 3 साल तक पता नहीं कौन कहाँ पढ़ते रहेगा और मेरा गुणगान गाते रहेगा, इसलिए थोड़ा सा मेहनत और कर लेता हूँ और आपका फ्यूचर में बहुत यूज़फुल होएगा। और एक एग्जांपल लेता हूँ फिर इसके बाद इसे यूज़ करना सिखाएंगे, फिर छुट्टी। कॉस्ट 100, प्रॉफिट 50, सेल्स 150, रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स, प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100, प्रॉफिट 50, सेल्स 150 इनटू 100, देखिए 50/150 इंटू 100,
33.333333333% ऑफ सेल्स, 33.33333 आपके घर तक कौन सेल, इसका मतलब 33.33/100 ऑफ सेल। तो चलिए 33.33 × 33.33 × 3 तो 100, तो 1/3 ऑन सेल, 1/3 ऑन सेल हो गया, सेल एक कदम आगे, कॉस्ट 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 1/2 प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट बाई कॉस्ट इंटू 100 प्रॉफिट 50 कॉस्ट 100 50% ऑफ कॉस्ट 50/100 दैट इज 1/2 ऑन कॉस्ट। तो ये कुछ परसेंटेज आपको ध्यान रखना है, हमेशा यूजफुल है, और कभी अटपटा परसेंटेज आ जाएगा तो दिखा लेंगे कैसे करना है, बट 1/2 प्रॉफिट 1/2 ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 1/3 ऑन सेल्स। चलिए बेटा फटाफट इसे भी आप लोग कॉपी करेंगे, अब इसे मैं यूज करना सिखाएंगे। चलो हो गया बच्चा लोग, आइए आपको मैं दिखाता हूं यूज कैसे करेंगे। पहले अन अप्रूव्ड सेल का दो एंट्री बताएंगे, उसके बाद ही मैं आपको बताता हूं। अन अप्रूव्ड सेल का दो एंट्री सर, पहला अन अप्रूव्ड सेल को कैंसिल करेंगे सेल्स टू डेटर, और दूसरा दिखाएंगे स्टॉक विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग। स्टॉक 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 कॉस्ट पे होता है, कॉस्ट पे स्टॉक कॉस्ट पे होता है, कॉस्ट पे स्टॉक कॉस्ट पे होता है, कॉस्ट पे ये स्टॉक कॉस्ट पे होता है। आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे सिखाएंगे। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होता है कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, मैं सिखाऊंगा आपको कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, बट अभी कॉस्ट ही समझिए, कॉस्ट ही समझिए, कॉस्ट अभी कॉस्ट। तो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट, सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट को स्टॉक विद कस्टमर दिखाना है कॉस्ट पे, बट सेल प्राइस दिया है सेल्स पे, तो सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट, सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट। ये देखो अनअप्रूव्ड सेल, अनअप्रूव्ड सेल 10,000 है और प्रॉफिट, प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स बोला है, तो ये तो सेल्स ही है। हाँ सर सेल्स है, मार दो 20% प्रॉफिट, मारते हैं सर, आंसर कैसे होगा देखना, आंसर कैसे होगा, स्टॉक एट कॉस्ट चाहिए, स्टॉक एट कॉस्ट, स्टॉक एट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अनअप्रूव्ड सेल, अनअप्रूव्ड सेल 10,000 है लेस प्रॉफिट 20% ऑफ सेल्स, और सेल्स ही दिया है 10,000, तो 2,000 माइनस कर देंगे, तो कॉस्ट आ गया, कॉस्ट कितना बेटा 8,000। फटाफट इसे कॉपी कीजिए, आप इसे कॉपी कर लीजिए। अब इसके बाद मैं ट्विस्ट दिखाता हूं आप लोगों को, ट्विस्ट
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे अनअप्रूव सेल 50,000 प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट कॉस्ट पे प्रॉफिट दे दिया 25% कॉस्ट पे प्रॉफिट दे दिया 25% कॉस्ट पे प्रॉफिट दे दिया 25% बट ये तो सेल्स है बाबू सेल्स है इस पे तो 1/4 लगेगा नहीं प्रॉफिट 1/4 ऑन कॉस्ट है हमें 50,000 से प्रॉफिट माइनस करेंगे कॉस्ट मिलेगा ये सेल प्राइस है 1/4 ऑन कॉस्ट अब यहाँ पे क्या होता है ना आपको वो फिर वो लेट वेट लिखना पड़ता है एजम्पशन करना पड़ता है तो मेन मुद्दा से आपका दिमाग भटक जाता है उसलिए मैंने रटाया है सेल्स एक कदम आगे कॉस्ट एक कदम पीछे तो 1/4 ऑन कॉस्ट होगा तो 1/5 ऑन सेल्स 1/5 ऑन सेल्स तो प्रॉफिट हम लोग बोल सकते हैं अब प्रॉफिट हो जाएगा 1/5 ऑफ 50,000 10,000 तो बेटा अनअप्रूव्ड सेल है 50,000 प्रॉफिट है 10,000 तो कॉस्ट हो जाएगा 40,000 आपका कॉस्ट हो जाएगा 40,000 कॉस्ट हो गया 40,000 अब बेटा आप बोलोगे सर नहीं मम्मी मारेगी क्यों बेटा मम्मी तो बोली थी 1/4 ऑन कॉस्ट बेटा चेक कर लो दिस इज 40,000 कॉस्ट 40,000 का 1/4 10,000 मम्मी नहीं मारेगी मम्मी पढ़ी लिखी है मम्मी समझदार है मम्मी को तो पता ही है 1/4 ऑन कॉस्ट के जगह 1/5 ऑन सेल्स आपको पता नहीं था तो मम्मी आपका मेरे पास भेज दी जा बेटा आरजी रटा देगा तो ये रट लो और छाप लो अब आपने देखा इसका इम्पोर्टेंस 25% ऑन कॉस्ट सेल्स पे चाहिए अब उला लाला हो जाता बहुत सारे बच्चों को याद करना पड़ता नाउ नो मोर उला लाला जब भी आज के बाद जब भी रेट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा कॉस्ट पे देगा टन से सेल्स पे मार देना सेल्स पे देगा टन से कॉस्ट पे मार देना करीबन 500 बार सीए फाउंडेशन में आप करने वाले हो और सीए बनने तक तो हजारों बार अनगिनत बार और बार बार गुणगान करना मेरा आप कहीं भी रहना चलो छाप लो यस सर सर आप हमें दिखाओ कैसा सम्स आप इस पे कराएंगे बेटा कल तो आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस तो कराऊंगा ही अभी एक दो कर लेते हैं आप देखिए आराम से देखिए नाइन नंबर सेंड गुड्स टू कस्टमर एट कॉस्ट प्लस 25% आज के बाद जिंदगी में कभी भी रेट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा जानी तो इमीडिएटली आप लोग उसे कन्वर्ट कर देंगे ये कॉस्ट प्लस 25% का मतलब होता है कॉस्ट प्लस 25% का मतलब होता है 1/4 ऑन कॉस्ट बोल भाई बोल सभी बच्चे बोल 1/4 ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 1/5 ऑन सेल बस उसके बाद कुछ पढ़ना 25,000 का माल भेजे थे विच रिमेन अनअप्रूव्ड सेल 25,000 का है अनअप्रूव्ड सेल कितने हजार का है 25,000 टिल द एंड ऑफ फाइनेंशियल स्टॉक टू बी सोन स्टॉक तो कॉस्ट पे होता है लेस इससे प्रॉफिट माइनस करो 1/4 ऑन कॉस्ट सर कॉस्ट तो दिया नहीं सेल्स है नो प्रॉब्लम 1/5 ऑन सेल 1/5 ऑफ 25,000 डेट इज 5,000 कॉस्ट कितना आया कॉस्ट 20,000 कॉस्ट ऑप्शन क्या होगा सी छाप लीजिए मैट पे भी छाप सकते हैं
आओ चले आज का आखिरी सम, आओ चले आज का आखिरी सम। और कल आके रिवाइज करेंगे, और कल से पता है एकदम एग्जाम्स के क्वेश्चंस करेंगे। मजा ही मजा, बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। वाई लिमिटेड सेंड्स आउट गुड्स ऑफ 1,20,000 टू इट्स डीलर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। वाई लिमिटेड ने 1,20,000 का माल भेजा सेल और रिटर्न बेसिस पे। ऑन 31 मार्च रिसीव 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 अप्रूवल रिसीव। बधाई हो बधाई गुप्ता जी, 80,000 का माल बिक गया। तो कोई बोल सकता है अनअप्रूव सेल कितना है? यस लल्ला इज राइट, 1,20,000 से 80,000 अप्रूव्ड हो गया, तो अनअप्रूव्ड सेल होगा बेटा 40,000। वाई लिमिटेड चार्जेस 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/5 ऑन सेल, कभी भूल न जाना। 1/4 ऑन कॉस्ट को छोड़ न जाना, 1/5 ऑन सेल्स बना देना। कॉस्ट प्राइस ऑफ अनअप्रूव गुड्स, रुको रुको रुको, गुड सेंट बोलो, गुड सेंट 1,20,000, लेस अप्रूव्ड 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 80,000, अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड 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 40,000, लेस प्रॉफिट 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 1/5 ऑफ 40,000, 8,000, 32,000, 32,000। आप लोग कॉपी कर लीजिए, रिवाइज कीजिएगा, कल आके हम लोग भी रिवाइज करेंगे और बड़े बड़े सम्स लगाएंगे। इतना ही मेन पॉइंट था बेटा, चलो कॉपी कर लो फटाफट। चलो बाय बाय एवरीबॉडी, रिवाइज करना। आई होप मजा आ रहा होगा। जो बच्चे वीडियो भी देख रहे हैं ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग व्हाट्सएप पे अपना डाउट लिखेंगे। मेरा नंबर है 9435146781, 9435146781। 20-22 साल से यही नंबर एक्टिव है। कॉल नहीं कीजिएगा बेटा, फोन रिसीव नहीं करता हूँ मैं नॉर्मली। यू राइट योर मैसेज और इमिडिएटली मैं उसको रिप्लाई करूँगा, वो कॉल करके ही बता दूंगा। अगर लिख के बताना होगा तो भी बता दूंगा, तो आपको बस मैसेज कर देना है। थैंक यू एवरीबॉडी, एंजॉय दिस चैप्टर, घर पे रिवीजन करना अच्छा से।